रईस के ट्रेलर रिलीज के साथ शाहरुख खान देंगे फैंस को अनोखा सरप्राइज। आखिरकार शाहरुख के फैंस का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि 7 दिसंबर को रिलीज होने जा रहा है रईस का ट्रेलर। इतना ही नहीं, इस ट्रेलर के साथ शाहरुख खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने हजारों फैंस के साथ रूबरू होंगे। बता दें, इस ट्रेलर को 3500 स्क्रीन में रिलीज किया जाएगा। बीते 2 दिन पहले ही फिल्म के निर्माता रितेश सिद्धवानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फैंस को 48 घंटे इंतजार करने को कहा था, लेकिन उनकी ओर से फिल्म रिलीज का अधिकारण घोषणा कोई ट्वीट नहीं आया। लेकिन एक लीडिंग पोर्टल की बात माने तो फिल्म का ट्रेलर 7 दिसंबर को रिलीज। साथ ही शाहरुख खान बेंगलोर, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, मोगा और जयपुर के ऑडियंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। जब शाहरुख से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिटी के ऑडियंस के साथ नहीं बल्कि और शहरों के हजारों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। बता दें, बाद में रितेश ने भी अपनी इस खबर को सोशल मीडिया पर रिट्वीट करके इस खबर की पुष्टि की कर दी है। यकीनन शाहरुख खान के फैंस अब शाहरुख खान से मिलने को बेताब रहेंगे। गौरतलब है कि शाहरुख खान स्टारर मूवी 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें कि ये फिल्म ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल के साथ क्लैश होगी। फिल्म रईस में शाहरुख खान के अलावा पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे। बता दें, शाहरुख खान की रईस काबिल के साथ क्लैश करेगी। तो यही है कि शाहरुख खान ने काफ़ी कोशिश की दोनों फिल्में क्लैश ना हो, लेकिन बात नहीं बनी। रईस के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ने कहा कि मैं चाहता हूँ दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करें, और बॉलीवुड में पहले भी बड़ी फिल्में 2 एक साथ रिलीज हुई हैं। वहीं इस क्लैश पर ऋतिक रोशन ने कहा कि इसमें मैं एक्टर हूँ, इस बारे में प्रोड्यूसर से बात की जाए। फिल्मों की क्लैश की खबरों के बीच दोनों में हाल ही में मनमुटाव की खबर आई थी, लेकिन हाल ही में ऋतिक रोशन मन्नत में पार्टी करते हुए स्पॉट किए गए। दोनों फिल्में 26 जनवरी 2017 को रिलीज होंगी।